कहते हैं स्त्री के जाने के बाद चंदीरी में कभी भी कोई खतरा नहीं आया, लेकिन कहते हैं ना, जब अच्छा वक्त शुरू होता है तभी बुरा वक्त भी आता है। एक दिन ऐसे ही सब खुशहाल जी रहे थे, चंदेरी में किसी भी तरह का खतरा नहीं था, सब अपनी अपनी ज़िंदगी में खुश थे। यहाँ पे सब कुछ कितना अच्छा है, थैंक गॉड कि यहाँ से स्त्री का खतरा चला गया, अब तो सब यहाँ अच्छा ही रहेगा। लेकिन कहते हैं ना कि खुशियों को नजर जल्दी लग जाती है, तो बस क्या ही होना था। चंदेरी के खोए हुए पन्नों में ये साफ साफ लिखा था कि सरकटा ज़रूर आएगा स्त्री के जाने के बाद, और ऐसा हुआ भी। तुमने देखा ना वहाँ चंदेरी में हमारे साथ क्या हुआ? अब सिर्फ तुम ही हमारी मदद कर सकते हो। हाँ ठीक है, मैं मदद तो कर सकता हूँ, लेकिन वो सरकटा बहुत खतरनाक है, चंदेरी को उससे खतरा है। ठीक है, मैं तुम्हें मदद करने के लिए तैयार हूँ, फिर मेरा काम ही वही है दूसरों की मदद करना। मैं तुम लोग की मदद जरूर करूँ, फिर मेरा काम ही वही है, लेकिन सबको उससे बहुत खतरा हो सकता है, लेकिन इसका एक रास्ता है, चलो मेरे साथ। उसे छूना मत। पर क्यों? वो साधारण मछली नहीं है, उसमें भी कुछ खास है, जिसको चाहे अपने वश में कर सकती है, इसलिए वो मेरे पास रखी हुई है। चलो मैं तुम्हें रास्ता बताता हूँ। देखो, सबसे पहले तो हम लोगों को सरकटे के लिए जाल बिछाना पड़ेगा ताकि वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होकर आए, फिर हम उसको देख लेंगे। बताऊंगा तुम लोग को वो छोटी किस काम आएगी, चलो। ये सब तो ठीक है, लेकिन इसका तरीका क्या है जिससे हम उसको मार सकें, और हम किस तरह का जाल बिछाने वाले हैं, जरा मुझे कुछ खुलकर बताओ। वो देखो, वो जो तुम्हें महल दिख रहा है ना, स्त्री ने उसी के अंदर सरकटे को बंद करके रखा था। लेकिन अभी सरकटे को रोकना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो पूरे शहर में आतंक मचा देगा जैसे उसने कल मचाया था। कहते हैं कि स्त्री ने अपने जाने से पहले सरकटे को यहाँ कैद करके रखा था, लेकिन अब वो अपनी छूट से बाहर है और स्त्री भी यहाँ नहीं है। ये देखो, ये वही चोटी है जो मैंने स्त्री से चुराई थी, और हम इससे सरकटे को बड़ी आसानी से हरा सकते हैं। मुझे इसको चलाना भी आता है, इसके अंदर कुछ ऐसी जादुई ताकत है जो सरकटे को मारने के लिए काफ़ी हैं। पर हाँ, इसकी एक ख़ास बात यह है कि अगर सरकटे ने इसको चोरी कर लिया तो सब तहस महस हो सकता है, तो हमें इसको बड़े संभाल कर इस्तेमाल करना चाहिए।
तुम्हारे पास भी तो कुछ ताकतें होंगी ना जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने सुना था तुम्हें उसे इस्तेमाल करना नहीं आता। चलो मैं तुम्हें सिखाऊंगा। ये देखो, तुम्हें ये जो महल दिख रहा है, इसी के अंदर चंदेरी के सारे राज और सारे सवाल छुपे हुए हैं। तो इसी की मदद से मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि तुम्हें अपने शक्तियों का इस्तेमाल कैसे करना है। चलो, उसके लिए तुम्हें अपने मन में शांति रखनी पड़ेगी और किसी भी चीज़ के बारे में ना सोचते हुए अपने अंदर की शक्ति को बाहर लाना होगा। लेकिन ये शक्तियाँ सिर्फ कुछ देर के लिए ही रहेंगी। तुम्हारी सारी शक्तियाँ धीरे धीरे बाहर आने लगेंगी। तुम भी अपनी शक्तियों का अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हो। पर हम सरकटी को ढूंढेंगे कैसे? कभी मेरे पास एक रास्ता है, चलो। ये वही जगह है जहाँ से स्त्री इस गाँव में आया करती थी और इस गाँव के लोगों ने उसे मारा था। मैंने यहीं से इस स्त्री की चोटी को काटा था। ये जगह आज भी वैसी की वैसी खंडर पड़ी हुई है। और हाँ, स्त्री ने जब सरकटे को अपने कैद में करके रखा हुआ था उस चोटी के दौरान, लेकिन जब मैंने उसकी उस चोटी को चुरा लिया था सरकटे को ही मारने के लिए, तब वो उस जगह से जाग चुका था। एक रास्ता है, हमें उस पार्टी में चलना पड़ेगा जो इस चंदेरी में अब तक की सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक पार्टी होने वाली है। तुम सब तैयार हो? चलो। थोड़ी फुर्सत भी मेरी जहाँ कभी बाहों को दीजिए। आज की रात मजा हुस्न का आँखों से लीजिए। आज की रात मजा हुस्न का आँखों से लीजिए। छोटी भी चुरा ली है जो मैंने स्त्री से ली थी, और तो अब अली भी जा चुका है। अब बताओ क्या करना है। वैसे यार मेरे पास एक रास्ता है, लेकिन वो खतरनाक भी हो सकता है। उसके लिए हम लोगों को शहर में बुलाना पड़ेगा स्त्री को। जब होगा महायुद्ध तब होगा महाविनाश, या तो सरकटे का या तो चंदेरी का।
स्त्री, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी मदद की। अगर आप ना होती तो सरकटा चंदेरी पे हमला कर देता, और आपकी वजह से चंदेरी सुरक्षित है। अब आप हैं, ओ स्त्री रक्षा करना। म्यूजिक